बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का खास टॉपिक, चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें, बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कुछ ऐसे कार्यों को चंद्र ग्रहण के दौरान कर देते हैं और उसका दोष जीवन भर भोगते हैं। जीवन भर ही नहीं, जो अगली पीढ़ी को भी भोगना पड़ता है। तो आज की सुंदर जानकारी, खास जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप लोग पूरे कार्यक्रम को देखने का प्रयास करिएगा, लेकिन एक खास जानकारी आपके लिए भी है, क्योंकि यदि आप किसी समस्या से दो चार हो रहे हैं तो तमाम प्रयास कर रहे हैं, फिर भी मुश्किलें आपसे दूर जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ज्योतिष का भी सहारा लीजिए, क्योंकि नवग्रहों की पीड़ा अदृश्य रूप से आपके जीवन को प्रभावित करती है और एक उपाय उन पीड़ा को दूर करने में सक्षम होता है। क्या करना है, अपना मोबाइल लीजिए, www.astrotak पे आइए, विनोद भरद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करिए, अपनी समस्याओं को हमारे पास लिख भेजिए। एक उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर कर देगा। यदि आप फोन पे बात करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं, मैं आपके फोन कॉल का इंतजार कर रहा हूं, आप फोन कर सकते हैं। अब आज का सुंदर कार्यक्रम, चंद्र ग्रहण के दौरान क्या ना करें, यह विशेष और खास जानकारी है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण निश्चित रूप से एक तरह से अशुभकारी घटना मानी गई है। इसका दुष्प्रभाव मनुष्यों पे होता है, इसका दुष्प्रभाव प्रकृति पे होता है। इसके दुष्प्रभाव के कारण मनुष्य के जीवन में तमाम दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है, अगर गर्भवती स्त्री चाहे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानी न रखे तो आने वाला उसका निश्चित रूप से शिशु चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण से प्रभावित हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें। देखिए, अगर कोई आवश्यक कार्य ना हो तो घर से ना निकलें, वैसे भी आजकल आप लोग घर में ही रह रहे हैं। दूसरा, चंद्र ग्रहण शुरू होने के पहले स्नान जरूर कर लेना चाहिए। तीसरा, हो सके तो अपने इष्ट देवता के नाम का स्मरण करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान यदि आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से उसका पुण्य पावन पवित्र फल हजार गुना हो जाता है। यदि स्त्रियां खाना आदि जो है चंद्र ग्रहण के दौरान ना बनाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भोजन विष हो जाता है। सिलाई कढ़ाई बुनाई भी निश्चित रूप से चंद्र ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका दोष होता है और यह दोष निश्चित रूप से घर की आर्थिक स्थिति को खराब कर देता है। जहां तक हो सके भोजन न करें, या हो सके तो कुछ भी न खाएं, क्योंकि जिस समय चंद्र ग्रहण होता है उस समय प्रकृति में चंद्रमा के दुष्प्रभाव का निश्चित रूप से प्रभाव रहता है। अन्न जल आदि जो भी द्रव्य हमारे अंदर जाता है उसमें निश्चित रूप से चंद्रमा का दोष होता है, तो हमारा मन मस्तिष्क शरीर तमाम प्रकार से विकृत होता है, मतलब रोग युक्त हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। स्त्री पुरुष एक साथ अगर रहें लेकिन मैथुन ना करें, क्योंकि मैथुन से निश्चित रूप से कुल का दोष हो जाता है और हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान क्रोध ना करें, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अगर आप क्रोध करते हैं तो उस क्रोध का फल लगभग सवा महीने तक आपके मन मस्तिष्क में रहेगा। छोटी छोटी बातों पे आपको क्रोध आ जाएगा।
चंद्र ग्रहण के दौरान आप अपने जो यहाँ यदि आपके घर में कोई स्त्री ऐसी है जिसको की गर्भ है उसका भी खास ध्यान रखने की जरूरत है। कैसे रखेंगे? उसके पेट में अगर गोबर मिल जाए तो गोबर का, नहीं तो गेरू का। अगर गेरू नहीं मिलती हल्दी ले लो ना, आपके यहाँ होगी किचन में, उसपे एक गोला आप पेट पे बना लें, निश्चित रूप से गर्भ की रक्षा होगी। आप चंद्र ग्रहण के दौरान एक जल वाला नारियल ईशान कोण में रख सकते हैं, जिससे कि पूरे चंद्र ग्रहण के दौरान वह नारियल पूजा घर में या ईशान कोण में रखा हो। इससे क्या होता है, शास्त्रों की माने तो निश्चित रूप से चंद्रमा के दुष्प्रभाव को वह नारियल खींच लेता है। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद ले जाकर के शिव मंदिर में रख दे। तो अब आपको हमने सारी स्थितियां अच्छी तरह से समझा दी शास्त्र के अनुसार। आप चंद्र ग्रहण के दौरान इन सब चीजों को बिल्कुल ना करें, अन्यथा चंद्रमा का प्रभाव मन पे होता है, मन का प्रभाव हमारे शरीर पे होता है, और यदि हमारा शरीर विकृत होगा तो हम अपने कार्यों को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपका पूरा परिवार प्रभावित होगा, क्योंकि चंद्रमा पूरे परिवार को प्रभावित करता है। पूरा परिवार प्रभावित होगा तब आप नहीं कह पाएंगे धन्यो गृहस्थ आश्रम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम वही सही है जहां पे सबकी एक मत हो। तो आप चंद्रमा के इन दोषों को अपने घर में ना आने दें और चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानियां रखें। आप भगवान के नाम का संकीर्तन करें, अपने मन में ईश्वर का स्मरण करें, अपने पुण्यों का स्मरण करें, जिससे कि हर प्रकार से आपके जीवन में खुशियां आए। देखिए, खुशियां उन्हीं के जीवन में आती हैं जिनके जीवन में प्रभु का आशीर्वाद होता है। तो निश्चित रूप से आपके भी जीवन में प्रभु का आशीर्वाद हो। इसी के साथ इस सुंदर से कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। लेकिन एक खास जानकारी, यदि आपको इस कार्यक्रम में कहीं भी कोई दिक्कत महसूस हुई है, कमेंट बॉक्स में जाइए, लिख भेजिए, एक पुण्य का कार्य करिए, अपनी उंगली से शेयर पे ले जाके रख दीजिएगा। कार्यक्रम शेयर होगा, किसी के काम आएगा, आप पुण्यवान होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।